हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो होप आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे। और अभी मेरा मन हो रहा था पास्ता खाने का, तो मैं सोची अभी पास्ता बनाऊं और आपके साथ भी शेयर करूं। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलते हैं पास्ता बनाने, फिर वहां पे मिलते हैं। तो गाइस ये देखो, अभी मेरे हाथ में दिख रहा होगा आपको बीपी मशीन, जो ये डिजिटल वाला है। और मम्मी को भी डाउट है कि उसका जो बीपी है ना वो हाई हो गया है, तो अभी मेजर करके देखते हैं कि सच में हाई हुआ है या फिर लो हुआ, क्योंकि ऑलमोस्ट इसको ना बीपी लो का इश्यू होता है। तो अभी इसको डाउट हो रहा है कि हाई है, तो मेजर करने के बाद पता चल जाएगा। तो फिर चलते हैं नाप के देखते हैं कि क्या कंडीशन है। कहाँ बीपी हाई है यार, बीपी लो है, 115 है, मतलब ठीक है, नॉर्मल है। तो मैंने मम्मी का ना बीपी जो है था वो मेजर कर लिया, पर बीपी हाई नहीं है बल्कि लो ही था, मतलब उसको नॉर्मल ही माना जाएगा जितना था वो। तो ठीक है, अब बनाते हैं पास्ता। ठीक है, मिलते हैं। तो ये देखो, ये मैंने सारे वेजीज काट लिए हैं, और ये प्याज काटने में तो मेरे आंसू ही बहुत सारे निकल गए। और अब मैं उबालूंगी पास्ता और चढ़ाऊंगी, और उसके बाद फिर बनाऊंगी आगे। तो इधर देखो, चढ़ चुका है कढ़ाई गरम होने के लिए, मैंने ऑयल भी डाल लिया है। और इधर हो रहा है, उबल रहा है पास्ता। अभी जैसे ही उबल जाता है और इधर मैं फ्राई जब कर लूंगी, उसके बाद फिर मैं डालूंगी पास्ता को। तो ये देखो, ये इधर हो रहा है फ्राई, और जब फ्राई हो जाएगा, थोड़ा सा और ब्राउन होगा, तो फिर मैं इसमें मसाले डालूंगी, फिर इसमें सॉसेस डाल करके इसमें पास्ता जो है उसको डाल दूंगी। और इधर देखो, मेरा जो पास्ता है ना वो उबल चुका है, और अब मैं इसको इसमें पानी से निकाल लूंगी और जल्दी जल्दी बन जाए, उसके बाद मैं खाऊंगी। खाने का ना मेरा बहुत मन कर रहा है, भूख लग गया मेरे को ये देख के तो और ज़्यादा। तो अब मैं इसमें डाल ले रही हूँ मसाला, जो भी है थोड़ा बहुत पाउडर का जो मसाला, और उसके बाद फिर मैं इसमें डालूंगी सॉसेस। तो अब मैं डालूंगी इसमें विनेगर थोड़ा सा, एक ढक्कन के आसपास। और फिर ये मिर्ची सॉस, और फिर ये टोमेटो केचप अच्छे से डालने के बाद फिर मैं इसको फ्राई कर लूंगी। और ये हो चुका है फ्राई, और अब मैं ये जो पास्ता है मैं इसमें डाल दूंगी और अच्छे से भून लूंगी। तो ये देखो, ये हो चुका है फ्राई, और अब मैं एक दो बार और इसको अच्छे से भून के फिर इसमें उतार लूंगी इसे, और फिर मैं मस्त इसको खाऊंगी। तो ये देखो, ये हो चुका है बिल्कुल रेडी खाने के लिए, और अब मैं इसको टेस्ट करूंगी और देखूंगी कि मैं कैसा बनाई हूँ, अच्छा बना है या फिर जल्दी जल्दी में खराब बन गया। तो टेस्ट करते हैं फिर बताते हैं कैसा बना है। तो अब करते हैं ट्राई और उसके बाद देखते हैं। एकदम अच्छा बना है, और अब मैं और मम्मी इसको एंजॉय करेंगे। तो मिलते हैं आगे।